चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। सड़क पर फर्राटा भरते किसी वाहन की नंबर प्लेट पर यदि UP 47 दिखाई दे, समझ लीजिए वह बलरामपुर का है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में भारत नेपाल की सीमा पर देवीपाटन मंडल में स्थित बलरामपुर राज्य के 75 जनपदों में एक है। बलरामपुर शहर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं शहर के व्यस्ततम चौराहे वीर विनय चौक से। वीर विनय चौक बलरामपुर शहर का हृदय केंद्र है एवं सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है। चौराहे से पूर्व की ओर दो सड़कें तुलसीपुर मार्ग एवं चौक रोड प्रारंभ होती हैं। पश्चिम में बहराइच मार्ग एवं दक्षिण पश्चिम की ओर की सड़क गोंडा मार्ग के रूप में पहचानी जाती है। चौराहे के निकट ही 1882 में स्थापित महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज का ऐतिहासिक परिसर स्थित है। पूर्व में तुलसीपुर से आने वाली सड़क बलरामपुर शहर के पूर्वी छोर से शहर में प्रवेश करती है। शहर में प्रवेश करते ही महारानी लाल कुंवरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का परिसर दिखाई पड़ता है। राज्य के उत्तर पूर्व में बसा बलरामपुर शहर राजधानी लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। तुलसीपुर मार्ग काली थान मंदिर से होकर गुजरता है। वर्तमान में बलरामपुर शहर और शहर में समा चुकी ग्राम पंचायतों को जोड़कर लगभग 1,30,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूर्वी उत्तर प्रदेश का 21वां एवं देवीपाटन मंडल में बहराइच एवं गोंडा के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा शहर है। तुलसीपुर मार्ग वीर विनय चौक की ओर बढ़ते हुए अंबेडकर तिराहा से गुजरता है। यहां से पूर्व की ओर सिटी पैलेस मार्ग स्थित है। बलरामपुर शहर की स्थापना राजा माधव सिंह ने अपने स्वर्गीय पुत्र बलराम शाह की स्मृति में 1439 से 1480 के मध्य कराई थी। मुगल काल में यह क्षेत्र अवध के बहराइच मंडल का भाग रहा। तुलसीपुर मार्ग अपने पश्चिमी छोर पर वीर विनय चौक पर जुड़ जाता है। तुलसीपुर मार्ग स्थित काली थान मंदिर से दक्षिण की ओर सड़क काली थान मार्ग के रूप में शहर के मुख्य बाजारों की ओर प्रवेश करती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही काली थान मार्ग मेजर चौराहा से गुजरता है। मेजर चौराहा से पूर्व एवं पश्चिम में सिटी पैलेस रोड स्थित है। मेजर चौराहा से दक्षिण में कुछ ही दूरी पर शहर का व्यापारिक केंद्र चौराहा चौक बाजार स्थित है। यह चौराहा शहर का महत्वपूर्ण चौराहा है। यहां से दक्षिण में सड़क नहर बालागंज की ओर, पूर्व में सड़क बड़ा पुल चौराहा की ओर एवं पश्चिम में शहर का सबसे महत्वपूर्ण बाजार चौक रोड स्थित है। यह बाजार चौक बाजार चौराहा को वीर विनय चौक से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है। लगभग 800 मीटर लंबे इस बाजार में बड़ी संख्या में बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं। 1850 में समस्त अवध क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने पर गोंडा जनपद की स्थापना हुई और बलरामपुर को एक तहसील के रूप में गोंडा जनपद से जोड़ दिया गया, किंतु कुछ वर्षों बाद ही बलरामपुर तहसील को समाप्त कर इसे उतरौला तहसील से जोड़ा गया एवं यहाँ स्थानीय राजा शासन करते रहे। देश की आज़ादी के पश्चात 1953 में उतरौला से काटकर बलरामपुर तहसील का गठन किया गया। गोंडा जनपद के विशाल भूभाग को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1997 में बलरामपुर, तुलसीपुर एवं उतरौला तहसीलों को जोड़कर बलरामपुर जनपद की स्थापना की। चौक रोड बाजार अपने पूर्वी छोर पर वीर विनय चौक से जुड़ जाता है। चौराहा चौक बाजार से पूर्व की ओर बड़ा पुल की ओर जाने वाला बाजार नए बाजार के रूप में जाना जाता है। यह बाजार भी शहर के मुख्य बाजारों में एक है। यह बाजार बड़ा पुल चौराहा पर पहुंचकर उत्तर की ओर घूमकर शहर के सिटी पैलेस से जोड़ता है। सिटी पैलेस में अब महारानी लाल कुंवरी महाविद्यालय का BED विभाग संचालित है। यहां से पश्चिम की सड़क सिटी पैलेस रोड के रूप में जानी जाती है। सिटी पैलेस मार्ग बलरामपुर शहर की आधुनिक सड़कों में एक है। इस सड़क के दोनों ओर सुंदर आवासीय भवन एवं अनेकों व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं। यह सड़क मेजर चौराहा से होते हुए पश्चिम में तुलसीपुर मार्ग स्थित अंबेडकर तिराहे की ओर बढ़ती है। बलरामपुर जनपद को वर्तमान में कुल 3 तहसीलों, 9 विकासखंड क्षेत्रों एवं 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जनमानस को भयमुक्त वातावरण देने हेतु संपूर्ण बलरामपुर जनपद में कुल 13 थाना कोतवाली क्षेत्र
एवं एक महिला थाना स्थापित किया गया है। सिटी पैलेस मार्ग अपने पश्चिमी छोर पर अंबेडकर तिराहा पर तुलसीपुर मार्ग से जुड़ जाता है। चौराहा चौक बाजार से दक्षिण की ओर की सड़क कुछ ही दूरी पर स्थित बलरामपुर बालिका इंटर कॉलेज से होकर गुजरती है। यह सड़क दक्षिण में नहर बालागंज क्षेत्र की ओर जोड़ती है। वीर विनय चौक से उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाला बहराइच मार्ग शहर के आधुनिक क्षेत्रों में एक है। इस मार्ग पर विकसित बलरामपुर की छवि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। बहराइच मार्ग पर रेलवे फाटक के निकट बाएं हाथ की ओर बलरामपुर का रोडवेज बस डिपो स्थित है, जहां से आसपास के महत्वपूर्ण शहरों समेत लखनऊ, दिल्ली आदि को सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। बहराइच मार्ग रेलवे फाटक को पार करके पश्चिम की ओर बढ़ जाता है। दोनों ओर भव्य इमारतें एवं वाणिज्यिक भवन इस मार्ग पर बहुतायत में स्थापित हैं। शहर का एकमात्र सिनेप्लेक्स T2 सिनेमा भी इसी मार्ग पर स्थित है। बलरामपुर में पूर्व समय में 3 सिनेमाघर थे, जिनमें अब सिर्फ T2 सिनेमा ही संचालन में है। बहराइच मार्ग पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पीपल तिराहा से होकर गुजरता है। राज्य के सुदूर उत्तर पूर्व भाग में बसा होने के पश्चात भी जितना विकास आज बलरामपुर ने कर लिया है, वह निसंदेह प्रशंसा के योग्य है। बहराइच मार्ग पश्चिम की ओर श्रावस्ती, इकोना, बहराइच, लखीमपुर, गोला, गोकर्णनाथ, पीलीभीत आदि की ओर प्रस्थान कर जाता है। इसी मार्ग पर बलरामपुर सदर तहसील एवं जिला न्यायालय आदि भी स्थित हैं। वीर विनय चौक से दक्षिण पूर्व की सड़क गोंडा मार्ग के रूप में जानी जाती है। यह सड़क बलरामपुर को मंडल मुख्यालय गोंडा से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है। बलरामपुर शहर क्षेत्र को कुल 2 थाना कोतवाली क्षेत्रों, कोतवाली बलरामपुर शहर एवं थाना कोतवाली बलरामपुर देहात में विभाजित किया गया है। गोंडा मार्ग दक्षिण की ओर घूमकर शहर के भगवतीगंज चौराहा से गुजरता है। इसी चौराहे से पूर्व में उतरौला मार्ग प्रारंभ होता है। गोंडा मार्ग यहाँ से दक्षिण की ओर बढ़ जाता है एवं कुछ ही दूरी तय करके रेलवे स्टेशन बलरामपुर के निकट से होकर गुजरता है। बलरामपुर से होकर गोंडा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर रेलमार्ग गुजरता है। यहाँ से उत्तर भारत के कई महत्वपूर्ण शहरों को आवागमन हेतु रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। गोंडा मार्ग दक्षिण में फुलवरिया चौराहा होकर सरयू नहर को पार करके गोंडा की ओर प्रस्थान कर जाता है। भगवतीगंज चौराहा से पूर्व में जाने वाला उतरौला मार्ग बलरामपुर को उतरौला होकर बस्ती से जोड़ता है। इस मार्ग पर शहर का नहर बालागंज क्षेत्र भी स्थित है। बलरामपुर जैसे सुंदर शहर में आना और इसे कैमरे में सजोना एक यादगार अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बलरामपुर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो बलरामपुर शहर अथवा जनपद बलरामपुर से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।